प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम आपके सामने आए हुए हैं एक नए टॉपिक को साथ लेकर, मैन पावर प्लानिंग एंड इट्स प्रोसेस। देखो, मैन पावर प्लानिंग क्या है? व्हाट इज मैन पावर प्लानिंग? इट इज जस्ट एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन। किस चीज का एस्टिमेशन है? कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की नीड है, एम्प्लॉइज नीड, इसका जो एस्टिमेशन है वो मैन पावर प्लानिंग कहते हैं उसको। तो यह है जो एस्टिमेशन है, उस व्हेन कब चाहिए और कैसे उसको पूरा करना है, इस संबंधी योजना बनाई जाती है, इसको मैन पावर प्लानिंग कहते हैं। अब इसके प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, तीन स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है चेक करंट नीड, ये फर्स्ट स्टेप है। करंट नीड कितनी है, उसके लिए करंट जो इन्वेंटरी है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। बहुत सिंपल सा है कि हमें चाहिए 10,000 एम्प्लॉई, अभी काम कर रही है 9,000 एम्प्लॉई, इट मींस 1,000 की नीड है जो हमने चेक की है। वो तब चेक होगी जब हम चेक करेंगे कितने काम के लिए चाहिए और कितने वास्तव में है। नंबर दो पे फोरकास्ट। अब हम एस्टिमेट लगाया जाएगा, सभी डिपार्टमेंट में एस्टिमेट लगाया जाएगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है? तो उनका फोरकास्ट करना मैन पावर प्लानिंग में आता है। तीसरी बात जो है प्रोसेस में आती है, लिंक बिटवीन मैन पावर प्लानिंग, पावर प्लानिंग एमपीपी विद बिजनेस प्लानिंग। देखो, जब तक हम इसको लिंक नहीं करेंगे आपस में कंप्यूटर के माध्यम से या मैनुअली, तो हम अच्छी मैन पावर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस काम के लिए कितने चाहिए। मान लो ये मेरी बिजनेस की लिस्ट है, दिस आर लिस्ट ऑफ माय बिजनेस, तो हर बिजनेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको मैन पावर प्लानिंग है जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं लिंक करूंगा, तो मुझे पता लगेगा कि वो कैसे सोचते हैं और मुझे क्या चाहिए, तो बेस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी, उसकी अच्छी फोरकास्ट होगी। ये दो स्टेप इस तीसरे स्टेप से अच्छी तरह से किए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों स्टेपों को आपने समझ लिया होगा, मैन पावर प्लानिंग में मैन की जो इम्प्लॉयज की है उसका एस्टिमेट कैसे अच्छी तरीके से लगाया जाए। ओके।